नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा आचार संहिता में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के मामले में हुई शिकायत की जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने निर्वाचन आयोग को सूचित करने के साथ ही कमिश्नर जबलपुर के समक्ष कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि डीन द्वारा जारी किया गया संशोधित विज्ञापन आदर्श आचार संहिता की श्रेणी में आता है। शिकायत की जांच के बाद उन्होंने आयोग को सूचित करते हुए कमिश्नर जबलपुर संभाग को कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन दिया है। एक शिकायत मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में आई थी कि उन्होंने 18 मार्च को जो है एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें उन्होंने कुछ पदों के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। उसके बारे में शिकायत प्राप्त होने पर हमने डीन मेडिकल कॉलेज से जो है वो जानकारी ली। उन्होंने हमें ये बताया कि 12 मार्च को जो है उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की थी सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए। उस नियुक्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, मतलब उस विज्ञप्ति में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी जिसको सुधार करने के लिए उन्होंने 18 मार्च को जो है फिर से एक और विज्ञप्ति जारी की थी। आचार संहिता में जो आयोग के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक निर्देश ये है कि आप कोई भी नियुक्ति करेंगे, नवीन नियुक्ति यदि आप कोई भी करेंगे तो उसके लिए आपको आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी। तो पहले उन्होंने 10 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, बाद में उन्होंने 11 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। बड़ी सीधी सी बात है कि एक अधिकृत पद के लिए जो उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की है वो नवीन नियुक्ति की श्रेणी में आता है और उनको कोरिजेंडम जारी करना था, उसके बगैर उन्होंने अमेंडमेंट जारी किया, उसका मतलब विज्ञप्ति ही पूरी नए सिरे से जारी की। तो उसको हमने माना कि ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टया आता है। इसके बारे में हमने आयोग को भी सूचित किया है और कमिश्नर जबलपुर को भी इसके बारे में उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के साथ उसको सूचित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र क्रमांक 13 के निर्वाचन की सूचना जारी होने के बाद अब तक 13 दावेदारों ने जिला निर्वाचन कार्यालय से नामांकन पत्र लिए हैं। हालांकि अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप की गतिविधियां बढ़ाई गई हैं और अलग अलग माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अभी जो पिछले दो दिनों में नॉमिनेशन की स्थिति है, नॉमिनेशन हमारे पास कोई भी नहीं आया, लेकिन कुल मिला के 13 लोगों ने नॉमिनेशन के फॉर्म जो है ले लिए, पैसे जमा करके जो रसीदें कटवाते हैं तो 13 लोगों ने रसीदें जो है इसके लिए कटवाई हैं। अभी हम प्राचार्यों के साथ बैठक कर रहे हैं, नोडल ऑफिसर के साथ बैठक हुई है, कैंपस एम्बेसडर्स की बैठकें हुई हैं, वीडियो संदेश हमने किए हैं, कुछ नारे, शपथ पत्र, रील, नुक्कड़ नाटक, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड में यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाइयों और एसएसटी टीमों की तैनाती और नाकेबंदी के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 2000 से ज़्यादा लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करा लिया गया है। उन्होंने अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 2130 मतदान केंद्रों में से 482 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। 6800 के आसपास लाइसेंस हैं जिसमें से 2200 लाइसेंस अभी जब्त हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं। करीब 4550 लाइसेंस अभी और जब्त होना है जिस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। प्रिवेंटिव केसेस के बारे में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। 107, 108 के 829 केसेस हुए हैं जिसमें से 126 को बाउंड ओवर कर दिया गया है। NSA के 4 केसेस हुए हैं जिसमें गिरफ्तार करके लोगों को अंदर भेज चुके हैं। इलेक्शन वायलेंस के अभी केसेस कोई भी जीरो हैं, अभी कुछ नहीं हुए हैं। कुल मिला के 2130 मतदान केंद्र हैं जिसमें 170 सेक्टर स्थापित किए गए हैं। वल्नरेबल मतदान केंद्र 15 हैं और क्रिटिकल मतदान केंद्र 482 हैं। अभी हमने SST प्रभावशील कर दिए, कुल मिला के 26 नाके जो हैं वो SST के हमने लगा दिए जो फुली ऑपरेशनल हो गए, 24 घंटे जो काम कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि 31 मार्च को जबलपुर में रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया जाएगा।